प्रदेश के गाजियाबाद में लगातार तेजी से बढ़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 33 नए केस मिले। कोरोना के कुल एक्टिव केस बढ़कर 139 पहुंचे। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 632 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 163 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में 9 मरीज मिले हैं। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 53 हो गई है। प्रदेश में अब कोरोना के कुल 798 एक्टिव मामले हो गए हैं। आईपीएल 2022 का 31वां मुकाबला कल लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। आरसीबी ने इस मैच में 18 रन से जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली कैपिटल्स टीम का सामना इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 32वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों के पावर हिटर खिलाड़ियों पर सभी की नजरें होंगी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दिल्ली टीम में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। उत्तर प्रदेश के 15 गांवों को बिहार के पश्चिम चंपारण में शामिल करने की पहली प्रक्रिया पूरी हो गई है। साथ ही पश्चिम चंपारण के 7 गांवों को उत्तर प्रदेश में शामिल करने की भी शुरुआती बाधा समाप्त हो गई है। पंजाब के लुधियाना में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के टिब्बा रोड पर नगरपालिका कचरा डंप यार्ड के पास बनी एक झुग्गी में आग लग जाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में लू के साथ ही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। राजधानी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होमगार्ड्स विभाग को आधुनिक और सशक्त बल बनाने की बड़ी तैयारी शुरू की है। प्रदेश की महिला होमगार्ड्स अब VIP की आतंकियों से सुरक्षा की जिम्मेदारी और प्रमुख स्थलों की सुरक्षा भी संभालती नजर आएंगी।